ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता पीके नाइक ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से राज्य के सहकारी संघीय ढांचे की भावना और सीमावर्ती क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने का आग्रह किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने शनिवार को रेड्डी को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिला प्रशासन ने न केवल ओडिशा में कोरापुट जिले के कोटिया क्षेत्र में ग्रामीण चुनाव करवाए बल्कि रायगढ़ जिले के कुछ गांव में भी चुनाव कराने की कोशिश की। नाइक ने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला प्रशासन ने गंजाम और गजपति जिलों के कुछ गाँव और विशाखापट्टनम जिला प्रशासन ने मलकानगिरी जिले के कुछ गाँव में चुनाव कराने की भी कोशिश की है। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश ने यथास्थिति आदेश का उल्लंघन किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सहमति के आधार पर पारित किया था। कालाहांडी जिले के रहने वाले भाजपा नेता ने कहा कि कोटिया ग्राम पंचायत हमेशा से ओडिशा के इतिहास का हिस्सा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार की यह मांग बिल्कुल आधारहीन है कि ये क्षेत्र उनके हैं। नाइक ने कहा कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों के बीच हजारों सालों से बहुत मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। उन्होंने कहा कि हमें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए और जमीनों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। विपक्ष के नेता ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से तीनों जिला प्रशासन को न्यायालय के फैसले का पालन करने और राज्य के सहकारी संघीय ढांचे की भावना का सम्मान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।